तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले शूटर समेत दो अफराद खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ज़रा के मुताबिक जावेद भट्ट पर फायरिंग अजहर शूटर ने की। मुलजम साबिक रिकॉर्ड याफ्ता और आदि मुजरिम है। जावेद भट्ट कत्ल के लिए शूटर अजहर बाकायदा रैकी करता रहा। शूटर अजहर और साथी मुलजम से तफ्तीश जारी। मुलजम अजहर से दौरान तफ्तीश जावेद भट्ट कत्ल के पसे पुश्त अनासर का तयन होगा। तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले शूटर समेत दो अफराद खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद, इस केस बारे आगाह कीजिएगा। तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दो शूटरों को खेती के से गिरफ्तार कर लिया है। अमीर ब्लाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस के मरकजी शूटर समेत दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ज़राए का कहना है कि जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाला अजहर शूटर ही था। मुजरिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता और आदि मुजरिम है। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि जावेद भट्ट के कत्ल में शूटर अजहर बाकायदा रैकी करता रहा। शूटर अजहर और साथी मुलजमान से तफ्तीश जारी है। इनके इंकशाफ पर मजीद अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है और मुलजिम अजहर से दौरान तफ्तीश जावेद भट्ट कत्ल केस के पशेपुश्त अनासर का तयन भी हो सकेगा। जावेद भट्ट कत्ल में उसका बेटा हमजा भट्ट मुदई है और उसने FIR में अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर फतेह और कैसर भट्ट को नामजद मुलजिम करार दिया है। FIR के मतलब के मुताबिक जावेद भट्ट को कत्ल करने वालों में चार अफराद शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख, आप हमें आगाह कर